दोस्तों, यहाँ पर हम एक नए लेक्चर को लेकर आए हैं और जिसका सोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत से लेक्चर सीरीज पढ़ चुके हैं। अबाउट नेवरा सुंडा बुक से मैंने कंटेंट को लिया है, उसकी टर्मिनोलॉजी है कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो कि पहली टर्मिनोलॉजी है, बात करना है कि अबाउट पोरोमीटर। तो पोरोमीटर एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द लीफ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। और साथ ही में देखोगे इसके अलावा भी ये ट्रांसपायरेशन प्लस स्टोमेटल रेजिस्टेंस, इनको भी ये मेजर करता है। तो याद रखिएगा पोरोमीटर क्या है, लीफ टेम्परेचर के साथ साथ आपका ट्रांसपायरेशन एज वेल एज स्टोमेटल रेजिस्टेंस क्या है, जो ट्रांसपायरेशन हो रही है उसमें कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज को भी आप मेजर कर सकते हैं भाई पोरोमीटर। ये दूसरी जो है वो है अबाउट द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है दोस्तों, प्लांट में एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसी स्टेज आती है जब प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट देयर इज नो फर्दर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मींस फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा और उसका फोटोसिंथेसिस का ट्रांसलोकेशन जो कि ग्रेन और फ्रूट्स में स्टॉप्स हो जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। और उस स्टेज पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लीव्स देखोगे आप प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, येलोइश हो जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद ही आपकी जो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी आती है। ओके, तो हमेशा जब भी हम क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो जब प्लांट्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को अचीव कर ले उसके बाद हम उसको और ड्राई होने देते हैं क्रॉप फील्ड में, तब जो है हमारा जो ग्रेन का मॉइस्चर है वो और डाउन हो जाता है जिससे कि वो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है और हम इजिली अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हार्वेस्टर के द्वारा हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो एक टर्म दिया है वो है पॉपिंग। पॉपिंग क्या है, देखोगे आप जो ग्राउंड नट में स्पेशली ग्राउंड नट का जो पॉड होता है उसमें कर्नल्स डेवलप नहीं होंगे, मीन्स जो कर्नल्स पॉड्स होगा वो विदाउट कर्नल होगा। तो इस कंडीशन को जो बोलते हैं हम पार्टिकुलर टर्म जो है पॉपिंग बोलते हैं। और स्पेशली जो होता है आप देखोगे इसको कैल्शियम की डिफिशियंसी के द्वारा होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन अगर आपके फील्ड में आती है तो इसका मतलब यह है कि आपके फील्ड में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, तो उस केस में आप जिप्सम कैल्शियम सल्फेट आप अपने फील्ड में अप्लाई करो। तो इसलिए एडवाइजेबल भी है कि जब भी आप ग्राउंड नट का कल्टिवेशन करते हो तो एट द टाइम बिफोर आप कह सकते हो कि जिप्सम अप्लाई करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ साथ में जिप्सम में क्या है, सल्फर भी है और जो हमारा ये ग्राउंड नट क्या है, एक ऑयल सीड भी क्रॉप है, तो आपकी ऑयल सिंथेसिस भी अच्छी होगी। अब जो है जो टर्म है वो है लाइट यूज इफिशियंसी। इसको ये भी कह सकते हो कि कन्वर्जन इफिशियंसी क्या है, मीन्स अगर कोई क्रॉप है मान लो प्लांट है तो जो भी लाइट इंटरसेप्ट हो रहा है, द क्वांटिटी ऑफ लाइट जितना इंटरसेप्ट हो रहा है उससे वो कितना क्वांटिटी में ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली कह सकते हो, ये भी कहता है द क्वांटिटी ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लाइट इंटरसेप्टेड, मीन्स जितना लाइट इंटरसेप्ट हो रहा है इस प्लांट के द्वारा उससे वो कितना आपको ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए इसको सिंपली आप एक रेशियो निकाल सकते हो, लाइट यूज इफिशियंसी अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर, और उस पर स्क्वायर मीटर में कितनी लाइट इंटरसेप्ट हुई, अमाउंट ऑफ कम्युलेटिव लाइट इंटर एब्जॉर्ब, और वो किस में उसका यूनिट होगा, मेगा जूल पर स्क्वायर मीटर। तो इसका जो रेशियो आता है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका उतना परसेंटेज जो है लाइट यूज इफिशियंसी आएगी। उसके बाद हम लाइट कंपनसेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक मिनिमम लाइट की एक ऐसी इंटेंसिटी होती है, उस लाइट इंटेंसिटी पे आपको देखने को क्या मिलेगा, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। उस मिनिमम लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस केस को हम बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट, मींस मिनिमम लाइट इंटेंसिटी जिसपे आपका फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों इक्वल रेट पे हो, तो उसको हम बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। अब लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट यह है कि एक लाइट की ऐसी इंटेंसिटी एट विच देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस रेट। लाइट की ऐसी इंटेंसिटी उस इंटेंसिटी के बाद
फर्दर फोटोसिंथेसिस के रेट में कोई इंक्रीज ना हो, उस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें कि हमने ये देखा प्लांट्स में पाया, मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, इसकी फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो बढ़ रही थी अप टू 400 माइक्रोन तक मान लीजिए, लेकिन 400 के बाद अब उसके हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज नहीं हो रहा है फोटोसिंथेसिस रेट। तो इसके केस में ये 400 इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, एक तरह से मैंने एग्जांपल दिया। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो लाइट सैचुरेशन जो है हायर होता है इसमें C4 प्लांट में, जो कि जो हमारे C3 में उनमें कम कम होता है। उसके बाद यहाँ पर है क्रॉप ज्योमेट्री। तो देखोगे क्रॉप ज्योमेट्री क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है, और ये भी कह सकते हो द वे इन विच क्रॉप प्लांट्स आर अरेंज्ड इन द फील्ड। अब जैसे क्रॉप में सोइंग करते हैं तो आपकी ज्योमेट्री किस तरह की हो सकती है, आप स्क्वायर पैटर्न में प्लांट को लगा सकते हो, आप रेक्टेंगुलर लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर प्लांट लगा दिया, यहाँ पर प्लांट लगा दिया, ये भी आपकी ज्योमेट्री है। हेक्सागोनल लगाएंगे, ये भी एक तरह की आपकी ज्योमेट्री हो सकती है, या ब्रॉड कास्टिंग कर दिया, मींस किस मैनर में आप प्लांट को अपने फील्ड में अरेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्रॉप ज्योमेट्री। अब उसके बाद कोर वाटरिंग क्या है, कोर वाटरिंग क्या है, ये फर्स्ट इरिगेशन है ऑफ क्रॉप। जब हम क्रॉप को फर्स्ट इरिगेशन देते हैं उसको हम कोर वाटरिंग बोलते हैं, और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर देते हैं, द डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड इन द फर्स्ट इरिगेशन, उसको बोलते हैं हम कोर डेप्थ। ठीक, जैसे हम बात कर लें, अगर हम वीट के केस में बात कर लें तो जो CRI है ये फर्स्ट इरिगेशन होती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोर वाटरिंग बोलेंगे वीट के केस में। ठीक है, और इस पे इस स्टेज पे जितना हम डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाई करेंगे मीन्स इन सेंटीमीटर में, उसको हम कोर डेप्थ बोलेंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा SAR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये एक इंडिकेटर है जो कि ये इंडिकेट करता है कि सोडियम की डोमिनेंसी क्या है। जैसे हमको पता होता है कि सॉइल में डिफरेंट कैटायंस होते हैं, जैसे सोडियम भी कैटायंस है, कैल्शियम भी यहाँ कैटायन है, मैग्नीशियम भी कैटायन है, इसके अलावा एल्यूमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, कैटायंस हैं, लेकिन स्पेशली जो है हम सोडियम को, ये जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होते हैं ये एसिडिक के कंडीशन में पाए जाते हैं, एसिडिक कंडीशन में इनकी डोमिनेंसी होती है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये इम्पोर्टेंट कैटायंस हैं, और सोडियम जो कि आपको न्यूट्रल टूवर्ड्स अल्कलाइन कंडीशन में मिलेंगे। तो अगर सोडियम का रेशियो ज़्यादा है इनके कंपेरिजन में, कैल्शियम मैग्नीशियम के डोमिनेट कर रहा है, तो उसको सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के द्वारा हम मेजर करते हैं, और उसका फार्मूला है SAR, सोडियम डिवाइड बाई अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम देन डिवाइड बाई 2। तो जो रेशियो अगर इसकी वैल्यू मोर देन 13 आती है तो उस केस में हम बोलते हैं सोडिक सॉइल या अल्कलाइन सॉइल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सॉइल की डोमिनेंसी ज़्यादा होने के लिए के बाद सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर लेस हो जाता है, तो सॉइल की स्ट्रक्चर जो फिजिकल कंडीशन होती है वो डिटीरियोरेट रहती है। अगर वाटर के केस में हम देखें, अगर 10 से ज़्यादा SAR वैल्यू है तो वो क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पानी को दोगे तो क्रॉप ग्रो कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें साल्ट ज़्यादा है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने के चांसेस हैं और प्लांट उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं थर्मोपेरियोडिज्म। थर्मोपेरियोडिज्म क्या है, इस कंसेप्ट को दिया था गार्डनर ने, ठीक, मीन्स ए प्लांट अगर कोई है मान लीजिए, ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है टू रेगुलर चेंजेस इन टेम्परेचर, आइदर डे और नाइट और सीजनल, जो नाइट का डे का मीन्स टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है और उसके प्रभाव को, जो चेंजेज हो रहे हैं उस प्लांट्स में, उसको बोलते हैं हम थर्मोपेरियोडिज्म। अब ट्रांसपायरेशन रेशियो की अगर हम बात करें क्या है, देखो दोस्तों प्लांट्स जो होता है वो ट्रांसपायर करता है अमाउंट
वाटर ट्रांसपायर करता है। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय ये क्रॉप, मींस कितनी क्वांटिटी ये प्लांट ट्रांसपायर्ड किया फॉर प्रोड्यूसिंग ए 1 kg ऑफ ड्राई मैटर, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन रेशियो। और इसकी वैल्यू जो हम यूनिट लीटर पर केजी हम वही अगर देखोगे ट्रांसपायरेशन कोफिशियंट की अगर बात करें, वहीं अगर हम देखें ट्रांसपायरेशन कोफिशियंट की बात करें तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय ए क्रॉप टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ड्राई मैटर। मीन्स उस केस में जो ट्रांसपायरेशन रेशियो की बात कर रहे थे उसमें हम केवल ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि ट्रांसपायर्ड हो रहा है प्लांट के द्वारा उसको कंसिडर कर रहे थे, लेकिन ट्रांसपायरेशन कोफिशियंट की जब हम बात करेंगे तो इस केस में अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड बाई क्रॉप टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ड्राई मैटर। तो इस केस में क्या हो सकता है, जो लॉसेज हो सकते हैं वो ट्रांसपायरेशन से भी हो सकता है प्लस इवेपोरेशन भी फिर से होगा और अदर लॉसेज भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो रेशियो आता है मींस उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन कोफिशिएंट। तो ये था ओवरऑल, हमने कई टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किया, डिफरेंटली ये आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, अब समझ में भी आई होगी, और जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आओ और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।